आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इससे पहले हम शेड्यूल्स पर बात कर चुके हैं, जो महत्वपूर्ण शेड्यूल्स थे, 12 शेड्यूल्स थे, उनके बारे में इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं जो इनके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो हमारा इंडियन पॉलिटी है, जो भारतीय संविधान है, इसमें 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वन बाय वन हम सारे पार्ट में पढ़ेंगे। पहले जो फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो आर्टिकल है वो 1 से लेकर 4 है। 1 से लेकर 4 आर्टिकल में से जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है वो किस चीज के लिए है? तो फर्स्ट आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। मीन्स भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 1, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। हमने जो पहला शेड्यूल पढ़ा था उसमें क्या दिया गया था? स्टेट एंड यूटी, राज्य और संघ सूची के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे क्या है? भारत राज्यों का संघ है। स्टेट एंड यूटी जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है वो यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारा भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ये किसमें? फर्स्ट आर्टिकल में। सेकंड, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। जो हमारा सेकंड शेड्यूल है, आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश, जो भारत हमारा इंडिया है उसमें क्या, अगर कोई नया राज्य ऐड होता है, उसमें से बनता नहीं है, कोई नया राज्य उसमें जुड़ा जाता है, भारत की बाउंड्री में इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भारत की जो फाइनल बाउंड्री है, इंटरनल नहीं आउटर बाउंड्री है, अगर उसमें कोई भी स्टेट इंक्लूड हो रहा है, कोई भी और जो पार्ट है वो इंक्लूड हो रहा है, ओके, तो वहां क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, कोई नया राज्य हमारी कंट्री में आ रहा है, उसकी स्थापना किसमें आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 2, संसद विधि द्वारा ऐसे जीवन दिया सर पर जो वहां ठीक समझे संघ के नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकता है। पार्लियामेंट चाहे, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, वो अगर सारी चीजों को देखकर अगर चाहता है कि भारत की बाउंड्री के अंदर कोई नया स्टेट आए, कोई नया राज्य आए, प्रवेश करे, तो वो अगर कोई नया स्टेट आता है तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत। आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जाना। मीन्स जो हमारे ऑलरेडी स्टेट है, 28 थे, 29 हो गए, ओके, जो 29वां स्टेट है वो तेलंगाना है। किससे सेपरेट हुआ है? आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट है जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। अभी क्या है, ये जो स्टेट से जो हमारे राज्य है, अभी 28 से 29 हो गए, किससे सेपरेट हुआ है? आंध्र प्रदेश से हुआ है। तो ये किसके अंडर आएगा? आर्टिकल नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन आना। अभी किससे अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश। और जाहिर सी बात है आंध्र प्रदेश की सीमा बाउंड्रीज में भी क्या आया होगा? डिफरेंस आया होगा कि जो उसकी पहली सीमा रेखा थी वो उससे क्या हो गई होगी? कम होगी, कि तेलंगाना उसका पार्ट हो गया है। तो सिंपल से आपको ये 3 आर्टिकल याद रखना है। भारत राज्यों का संघ है, वही इंडिया है, उसको सारे स्टेट को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनता है? इंडिया बनता है। सेकंड में क्या आ जाएगा? स्टेट, नए राज्यों की स्थापना, कोई नया राज्य आ रहा है, न्यू स्टेट की बात की गई है, नए राज्यों का प्रवेश, कोई नया स्टेट आ रहा है, ओके। थर्ड में आ जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं वो क्या करें? अपने ही राज्य में से कोई स्टेट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड। किसमें आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 3 में। नामों में परिवर्तन, मतलब कि आपने कभी बहुत सी बार सुना होगा किसी भी स्टेट का नाम या किसी जो स्टेट के अंदर क्षेत्र, उनके नामों में क्या कर दिया जाता है? चेंजेस कर दिया जाता है, नया नाम रख दिया जाता है। तो ये किसके अंदर आएगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंदर ही आएगा। आपको सिंपल सा ये सब समझना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप में देखते हैं, इंडिया के मैप में आप मत जाइएगा, बस आप उसकी पिक्चर्स में ना जाके भावनाओं को समझिएगा। यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया का, जैसे कि भारत क्या है? राज्य का संघ है। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी हमारे क्या है? राज्य हैं। यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो टोटल राज्य कितने हैं? 29 है स्टेट हमारे, टोटल स्टेट 29 है। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसकी बाउंड्रीज को इंक्रीज कर दिया जाए, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज करके अब इसको ऐसे ना करके यहाँ पे क्या हो रहा है, और बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे अगर कोई एक नया राज्य न्यू ऐड किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 2 के अकॉर्डिंग एक नया स्टेट को जोड़ा गया। और ये पहले वाला था भारत राज्यों का संघ है, वो आर्टिकल नंबर 1 था, कोई नया स्टेट लिया गया तो आर्टिकल नंबर 2। अब यहाँ पे क्या, ऑलरेडी जो ऑलरेडी स्टेट्स हैं
अब ये जो यहाँ पे जो एक स्टेट है इसको क्या कर दिया गया, इन्होंने अपना डिवीजन करके दो पार्ट्स में हो गया, तो यहाँ पे एक ये नया स्टेट आ गया। तो यहाँ पे क्या है, नए राज्य का निर्माण, इंडिया के अंदर एक और नया राज्य आ गया, तो वो क्या हो गया आर्टिकल नंबर थर्ड, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, तो आर्टिकल नंबर थर्ड के अकॉर्डिंग। कोई अलग से कोई नया राज्य आ रहा है भारत के अंदर, तो आर्टिकल नंबर सेकंड। अब भारत क्या है, राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल नंबर वन। अब यहाँ पे आर्टिकल नंबर फोर्थ तो वैसे इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आर्टिकल नंबर फोर में क्या है कि जो भी आपका शेड्यूल वन एंड फोर्थ, वन में क्या है राज्य और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, फोर्थ में क्या है सीट इन द काउंसिल और स्टेट्स, मतलब कि राज्यों में सीटों के बारे में जो बताया गया है वो किसमें बताया गया, शेड्यूल नंबर फोर में, राज्यों में सीटों का बंटवारा शेड्यूल नंबर फोर में बताया। अब इसमें क्या होंगे चेंजेस होंगे, जो भी इसमें चीजें कही गई हैं, बताई गई हैं, वो आर्टिकल नंबर टू और थ्री में इम्प्लीमेंट होने के बाद, मतलब कि अगर कोई राज्य भारत के अंदर आता है या कोई नया स्टेट बन जाता है तो इसका इफेक्ट किसमें पड़ेगा, वन एंड फोर्थ शेड्यूल में पड़ेगा। और ये सारा जो फाइनल इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर कोई नया स्टेट ऐड होगा भारत में जुड़ेगा तो इसकी बाउंड्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा, भारत की बाउंड्री क्या है बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है आपका जो शेड्यूल में भी उसमें क्या होंगे चेंजेस किए जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल हुआ चाहे फोर्थ शेड्यूल हुआ किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल नंबर सेकेंड और थर्ड के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे आप सिंपली देख रहे नया राज्य आ रहा है और यहाँ पे क्या है न्यू एस्टेब्लिशमेंट, कोई राज्य उसमें से भी एक नया राज्य आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चेंजेस हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें किसकी परमिशन लेनी होगी, इंडियन पार्लियामेंट की। तो सिंपल सा भारत राज्यों का संघ है आर्टिकल नंबर वन, सेकेंड नए राज्यों का प्रवेश होना भारत में आर्टिकल नंबर सेकेंड, थर्ड जो हमारा ऑलरेडी जो स्टेट्स हैं उनमें कोई ना जो स्टेट का नाम वो चेंज कर देना, उनकी बाउंड्रीज को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना, जो भारत की जो राज्य है उसकी सीमा रेखा को घटा या बढ़ा देना, या फिर कोई नया स्टेट बना वो थर्ड में आ जाएगा। अगर इनमें कोई भी चेंजेस होते हैं इनसे सेकेंड और थर्ड का इफेक्ट किसमें पड़ेगा, शेड्यूल नंबर वन और फोर्थ में पड़ेगा, जिसके लिए हमें किसकी पार्लियामेंट्स की परमिशन लेनी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम किया जाएगा। तो ये क्या हमारे फोर आर्टिकल्स हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिनमें से थ्री डिस्कस किए गए हैं रिटर्न में, फोर्थ आपको ओरली बता दिया गया है जो पार्ट वन में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट हम सिटीजनशिप पढ़ेंगे, 5 to 11 आर्टिकल बताए गए सिटीजनशिप के, वन बाय वन हर पार्ट में डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।